बर्ड्स में, बर्ड्स का काफी इंपॉर्टेंट है सेक्स डिटरमिनेशन. बर्ड्स में विच टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज कॉल्ड जेड डब्ल्यू टाइप. ओके, क्योंकि यहाँ पे जो हेट्रोगैमिटी होती है उसको हम जेड डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. तो होमोगैमिटी कैसे हम लिखते हैं, जेड जेड. और यहाँ पर ऑपोजिट है ह्यूमन्स और ड्रोसोफिला से, क्योंकि यहाँ पर मेल हेट्रोगैमिटी नहीं होती है, यहाँ पर फीमेल हेट्रोगैमिटी होती है. मेल में दो जेड क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में एक जेड होता है, एक डब्ल्यू होता है. तो हेट्रोगैमिटी यहाँ पर फीमेल में होती है. तो मेल तो सिर्फ जेड ही दे सकता है क्रोमोसोम. ओके, लेकिन यहाँ पर बर्ड्स में मेल बनाने के लिए जो डब्ल्यू क्रोमोसोम चाहिए वो फीमेल दे सकती है. तो बर्ड्स में, ज़्यादातर बर्ड्स में जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो जेड डब्ल्यू टाइप का होता है. ठीक है, एग्जाम्पल है इसका हेन. हेन पे, हेन का एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो. ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर एक और हमें सेक्स डिटरमिनेशन देखना है इन इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन होता है, यानी कि यहाँ पर जो फीमेल होती है उनके अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, और जो मेल होता है उसके अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, कोई दूसरा सेक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम होता है. लेकिन हम इसको इस स्पेस को हम वी डू नॉट लीव इट एम्प्टी, वी राइट जस्ट ओ या जीरो मान लो या एक्स ओ बोलते हैं वैसे. तो ये कैसे होता है, जब फीमेल गैमेट बनाती है तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम ही जाएगा हर एक गैमेट में. जब मेल अपने गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो 50% गैमेट्स में एक्स क्रोमोसोम जाएगा और 50% गैमेट्स में कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा. 50% में सिर्फ और सिर्फ ऑटोसोम्स होंगे. तो अगर फीमेल कब बनेगी, जब फीमेल का ये ओवम मेल के इस वाले स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा. ठीक है, और मेल कब बनेगा, अगर ये वाला ओवम को फर्टिलाइज ये वाला स्पर्म करता है जिसके अंदर एक भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो वो ऑफस्प्रिंग मेल बन जाएगा.